नमस्ते भारत। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को भारतवर्ष के अंदर इस वक्त जिस प्रकार की सियासी और राजनीतिक उठापटक चल रही है उससे अवगत करवाने वाली हूं मैं। आप सब लोग जानते हैं कि भारतवर्ष के अंदर इस वक्त 5 राज्यों में चुनावी बिगुल बज चुका है, लेकिन सबकी निगाहें अगर किसी प्रदेश पर है तो वो भारत का सबसे बड़ा प्रदेश यानी कि उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की राजनीति को ही ध्यान में रखते हुए पंजाब में देश के प्रधानमंत्री के साथ, उनकी जान के साथ एक बहुत गंदा और घटिया घिनौना खेल खेला गया, जिसमें विदेशी जो ताकतें हैं उनका भी हाथ है। उसके अलावा यूपी के अंदर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर टकटकी लगा करके देख रहे अखिलेश यादव की छटपटाहट मैं आप लोगों के सामने लेकर के आऊंगी। अखिलेश यादव के वो इत्र वाले मित्र कहां पर है, 300 करोड़ रुपया उनका कहां चला गया है, वो तमाम बातें बताऊंगी। आखिर ये कुर्सी जिस पर बहुत लोगों की नजरें हैं वो किसको मिलने वाली है, यूपी की जनता क्या सोचती है, कौन सरकार बनाने वाला है और भविष्य में आखिर क्या होने वाला है, ये तमाम चीजें एक ब्रीफ वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच में उपस्थित कर रही हूं। निवेदन, वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि ये आपके मेरे देश का सवाल है, हमारी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य का सवाल है। हम सब लोग बाकी तमाम बातें तभी कर पाएंगे जब देश सुरक्षित हाथों में रहेगा, वरना अगर गलत सरकार आ जाएगी महाराष्ट्र के जैसे तो फिर जो महाराष्ट्र में हो रहा है वही यूपी के अंदर और बाकी राज्यों में होएगा और हम लोग चिल्लाते चीखते रहेंगे न्याय के लिए, जैसे सुशांत के न्याय के लिए हल्ला मचा रहे हैं, लेकिन वहां पर तो खेला कब का हो चुका था। चलिए अब बात की जाएगी सबसे पहले अखिलेश यादव के इत्र वाले मित्र, इत्र वाले जितने भी सगे संबंधी हैं अखिलेश के सारे जेल के अंदर हैं। जेल में वो लोग रोटी बना रहे हैं, जो पैसा निकल करके आया था कैश, जो सबसे बड़ा कैश का सीजर हुआ था ब्लैक मनी का, सुरंग के अंदर से, तहखानों के अंदर से, छत के ऊपर से, फर्श के अंदर से, दीवारों से, गद्दों से जो कैश निकला था, जो सोना निकला था, जो चांदी निकला था, वो तमाम जब्त कर लिया गया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा। उसको एसबीआई में बक्सों में भर भर के भेज दिया गया है और इसीलिए छटपटाहट समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव के चेहरे पर दिखाई दे रही है, क्योंकि 2000 और ये जो 500 रुपए के नोट थे इनसे वो क्या खेला करने वाले थे और कौन सा मेला होइबे की वो बात कर रहे थे ये हम सब जानते हैं। पर अब वो एक बहुत बड़ा तगड़ा उनको झटका लग गया है और इस बात को भी यूपी की जनता भूली नहीं है और यूपी की जनता को याद है। इसलिए आज इस वक्त की अगर मैं बात करूं तो 45% से ज्यादा लोग ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री कोई और नहीं अपितु आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ही बने, और उनके कंपैरिजन में 20% लोग भी ये नहीं चाहते कि अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपी जाए। अब आप खुद ही देख लीजिए कि कितना बड़ा गैप है। 5 साल काम करने के बाद भी अगर 45% से ज्यादा की जनता या 45% लोग भी ये मानते हैं कि यूपी का मुख्यमंत्री आज भी योगी आदित्यनाथ जी को होना चाहिए, तो साफ हो जाता है कि जनता किस पर विश्वास करती है, उस व्यक्ति पर जो कर्म से, आचरण से, जीवन से वास्तव में योगी हैं और जिन्होंने क्राइम फ्री यूपी यानी कि क्राइम अगेंस्ट विमेन को वहां पर खत्म करके रख दिया है, उनको चाहते हैं, जिन्होंने विकास किया है, जो गांव-गांव में सड़कें लेकर गए, बिजली लेकर के गए, पानी लेकर के गए, घर घर में उज्ज्वला योजना गई है, घर घर में शौचालय है, वो तमाम चीजें हैं जो कभी भी यूपी ने सपने में भी नहीं सोची थी। दूसरी तरफ प्रियंका गांधी वाड्रा लड़की हूं लड़ सकती हूं के नाम पर गंदी राजनीति कर रही है। जब राजस्थान में एक मूक बधिर बच्ची का रेप होता है तो वहां पर वो जाति भी नहीं दिखाई देती है, उस व्याभिचार के बारे में बोलती हुई भी नहीं दिखाई देती है और वहां पर चुपचाप जिप मुंह पे लगा देती है। यानी कि एक बात साफ हो गई है कि ये नारा केवल चुनावी नारा है, लड़की हूं लड़ सकती हूं, और उत्तर प्रदेश के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए, उस चुनाव को साधने के लिए ही, दिमाग को में रखते हुए ही इसको चुनावी नारा बनाया गया है। इसलिए 10-15% लोग भी प्रियंका वाड्रा को पसंद नहीं कर रहे हैं और आने वाला जो चुनाव है उसमें एक और बात साफ हो गई है कि और जो तादाद है वो यही चाहती है कि अगली जो सरकार बने वो उत्तर प्रदेश के अंदर योगी
आदित्यनाथ की ही बने, यानी कि यहां पर भी जो फीसद हमें दिखाई दे रहा है वोट परसेंटेज, वो 45% से ज्यादा का भाजपा को यानी कि डबल इंजन की मोदी जी और योगी जी की सरकार को जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये मैंने छोटा सा ब्रीफ आप सब लोगों को बताया है। बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, वोट को पोलराइज करने की कोशिश की जा रही है, सनातनियों को पोलराइज करने की कोशिश की जा रही है। मैं आप सब लोगों से सिर्फ ये बोलूँगी कि आँख खोल करके, दिमाग को खोल करके देखिए, देश के भविष्य का सवाल है। ये चुनाव रूपी जो महापर्व है ये 5 साल में एक बार आता है और 5 साल तक हमारा भविष्य बंद हो जाता है उसके बाद। इसलिए सही हाथों में भविष्य दीजिए। ये परिवारवाद, वंशवाद, पूंजीपतिवाद वादी जो लोग हैं इनके हाथों में नहीं, उसके हाथ में दीजिए जो अपना घर परिवार सब छोड़ करके केवल इस देश को अपना परिवार और देश के प्रत्येक नागरिक को अपने परिवार का सदस्य मानते हैं। और इसके साथ ही मैं इस वीडियो के लिए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जल्द आप लोगों के बीच में फिर से हाजिर होंगी। टिल देन स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड एंड जय हिंद।